नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो। अगर आपके बच्चे बाहर का तला भुना खाना पसंद करते हैं तो उन्हें बाजार का तला भुना खाने के बजाय घर पर ही इस नाश्ते को बना कर दें। ये नाश्ता बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। इस नाश्ते में मैंने बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है। मेरे बच्चे तो हफ्ते में 4 बार इसी रेसिपी को बनवाते हैं, उन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो देरी ना करते हुए इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में 1/2 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डालेंगे। पत्ता गोभी को आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैंने बारीक कट किया है। 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। 1/2 शिमला मिर्च बारीक कट करके डाल देंगे। 1 आलू को छीलकर कद्दूकस करेंगे, मैंने कच्चा आलू लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कट करके डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/2 चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 कप सूजी डालेंगे, 1/4 कप दही डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डालेंगे। सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि सब्जियों में भी मॉइस्चर है, तो हमें बैटर को गीला नहीं करना है। तो बैटर को मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसे हम 10 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हमने सूजी का यूज किया है तो सूजी अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा लेंगे तो सूजी भी अच्छे से फूल गई है। अब इसमें हम 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। आप चाहें तो सोडे को स्किप भी कर सकते हैं, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तब बैटर से हम इस तरह से बॉल बना लेंगे। अब मैंने एक जाली वाली प्लेट ली है, प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और बॉल बनाकर हम प्लेट पर रखेंगे। तो पूरे बैटर से हम बॉल बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने बॉल बनाकर प्लेट पर रख दी है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। एक बर्तन में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, पानी भी गर्म हो गया है। अब हम जाली वाली प्लेट को बर्तन के ऊपर रखेंगे और इसे कवर कर देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 8 से 10 मिनट तक बॉल्स को स्टीम होने के लिए छोड़ेंगे। तो 8 से 10 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा लेंगे। सारी बॉल्स अच्छे से स्टीम हो गई है, अब हम प्लेट पर से बॉल्स को निकाल लेंगे। अब मैंने एक पैन लिया है, पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल भी गर्म होने लगा है, अब इसमें हम 1/2 चम्मच राई डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच कुटा हुआ खड़ा हरा धनिया डाल देते हैं, 1 चम्मच इसमें हम सफेद तिल डालेंगे। तो सारे दाने तड़कने लगे हैं। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ करी पत्ता डाल रही हूँ। तड़के को मिक्स कर लेंगे और हमने जो बॉल्स रेडी की है उसे हम पैन में डालेंगे। तो इस तरह से बॉल्स को हम तड़के में सेल फ्राई कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाकर खाने के बाद आप बाजार के मोमोज खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये नाश्ता जो है वो हेल्दी बहुत है। इसमें हमने सब्जियों का यूज किया है और तेल का भी कम यूज किया है। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने बॉल्स को तड़के में सेल फ्राई कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से गर्मा गर्म बॉल्स को आप अपनी मनपसंद चटनी या टमाटर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें
और अपने दोस्तों फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।